देश में संस्कृति की विरासत को सहेजने के लिए तमाम सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं उन तमाम सारे लोगों में एक खास नाम है राजीव सिंह का जो वास्तव में देश की संस्कृति को अपने विरासत कार्यक्रम के जरिए सहेजने का काम कर रहे हैं निखारने का काम का कर रहे हैं और उभारने का, का काम कर रहे हैं और वो भी केवल भारत में नहीं भारत के बाहर भी वो विरासत यानी संस्कृति की विरासत को फैलाने का काम कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और मध्य प्रदेश में वो आए हैं विरासत आयोजन उनका होना है उसके सिलसिले में यहाँ के पर्यटन विभाग के संस्कृति विभाग के अधिकारियों से मिलने तो हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं संस्कृति कर्मी और रंगकर्मी राजीव सिंह जी से राजीव सिंह जी बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद थैंक धन्य। यू सर आपका जो विरासत आयोजन है वो एशिया का बहुत बड़ा आयोजन होता है इस आयोजन के बारे में जानेंगे इससे पहले आपके बारे में जानेंगे सर हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे इस फील्ड में आए मैं बहुत सा आदमी हूँ कोई बड़ा मैं पहले वन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एच था और मैं बिहार से रहने का रहने वाला हूँ देहरादून में अब मैं रहता हूँ वहाँ वसंत वि में मेरे, मेरा घर है वहीं मैं रहता हूँ और वहीं ये फेस्टिवल होता है और ये इंटायर एफ्रो एशिया या यूँ पसिफिक रिम पे कहिए आप ये वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल के रूप में हो विरासत उभर करके आया है ये विरासत का कॉन्सेप्ट क्या है सर कॉन्सेप्ट ये है कि हाई आर्ट को प्योर अन आर्ट को आम जनता तक लाना क्योंकि अगर आम जनता को हम प्योर आर्ट नहीं दिखलाते हैं या उससे रूबरू नहीं कराते हैं तो एक उसके उसके जनता में आर्ट के प्रति टेस्ट डेवलप नहीं करेगा उसके अप्रिसिएशन डेवलप नहीं करेगा और अगर अप्रिसिएशन डेवलप नहीं करेगा तो आर्ट और उसके प्रैक्टिशनर जो ट्रेडिशन बियरर्स हैं उनका डिमांड नहीं होगा डिमांड नहीं होगा तो रोजी रोटी से आर्ट जुड़ा हुआ है डिमांड जब नहीं होगा उसको छोड़ेंगे अभी आपने देखा होगा मुझको पता है कि मैं कच्छ में था तो वहाँ पे सदीक Uh, जो सुरानदों बजाने वाले अब वो आइकॉनिक फिगर थे और अब वहाँ पे उनका लड़का जो है वो छोड़ करके रिक्शा चलाना या टेम्पो चलाने लगा है क्योंकि उस आर्ट से उसको कोई रोजी रोटी मिला ही नहीं तो इसलिए आम जनता में हाई आर्ट के प्रति रुचि और अप्रिसिएशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है और ये हमारा उद्देश्य है कि हाई आर्ट द लेटी टू द कॉमन पीपल दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ विरासत जैसे आपने कहा लेकिन देहरादून आपने सेंटर चुना आप और कहीं भी चुन सकते थे वो इट वॉज एन एक्सीडेंट एक्सीडेंट इन देंस कि आई बिलोंग टू आई वर्क फॉर ओ एन जी सी एंड बेसिकली आई एम एन ऑयल मैन तो वहाँ पे हम लोग वहीं थे और कुछ दोस्तों पहले हम लोग थिएटर से जुड़े हुए थे और हम लोग एक साथ रहना चाहते थे सारे दोस्त हमारे तो उसके बाद कुछ कुछ ये दिमाग में आता गया कि क्यों नहीं 365 डिग्री एक्सपोजर ऑफ आर्ट का ओम आम आदमी को हम दें और ये ये सोच करके ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जब तो 1995 में हमने शुरू किया तो वी वर कीपिंग आर फिंगर्स क्रॉस के पता नहीं लोग आएंगे भी कि नहीं अब बिसमिल्ला खां को सुनने आम जनता लोग आएंगे कि नहीं हरी हरी हर, हर, हरी प्रसाद चौरसिया को सुनने आएंगे कि नहीं आर्ट क्राफ्ट म्यूज़ियम फिल्म अधूर गोपाला कृष्ण श्याम बेनगल, श्याम बेनेगल दो दो बार आए अधूर गोपाल कृष्ण आए तो ये सारे लोग लेकिन मैं ये बताऊँ कि ये आम भ्रांति है कि लोग चीज़ों को अच्छी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं अगर आप अच्छी चीज़ें देंगे और सही तरह से पेश करेंगे तो एवरी वॉड विल अप एंड विरासत इज़ अ बर्निंग एग्जाम्पल ऑफ दैट फ्रॉम डे वन वहाँ मेन राजपुर रोड पे जैम लग जाता था जैम और उसके बाद वहाँ से हम लोग को हटा करके अब ओ एन ओपन डेट्स आर्म्स और वहाँ हम लोगों का एक काफ़ी बड़ा स्टेडियम है अंबेडकर स्टेडियम ओ के कॉलोनी में वहाँ पे ये फेस्टिवल शिफ्ट हो गया है तो अभी वहीं करने लगे वहाँ भी जगह कम पड़ने लगी फेस्टिवल में क्या क्या समाहित होता है सर इस फेस्टिवल में आप आर्ट से संबंधित जो चीज़ भी चाहिए आर्ट कैंप होता है यहाँ मंजीत बाबा से लेके अंजलि अंजलि मेनन से लेके गणपति तक सारे लोग यहाँ यहाँ आए हैं फिल्म का होता है हादूर गोपाल कृष्ण प्रकाश झा गोविंद नेहलानी श्याम बेनेगल अमोल पालेकर इस तरह से तमाम लोग वहाँ आते हैं उसके बाद फिर हम लोगों ने वीकली एक फिल्म सोसाइटी भी वहाँ शुरू किया उसके बाद एग्जिबिशनस uh, होते हैं नेशनल म्यूजियम वहाँ पर कितनी बार एग्ज़िबिशन किया है उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट का मास्टर आर्टिजन करीब 250 मास्टर आर्टिजन फ्रॉम ऑल अक्रॉस द दर्ल्ड ऑफ कंट्री वहाँ आते हैं फिर छः सात कंट्री का पार्टिसिपेशन होता है और अमूमन हर स्टेट से हर uh, जोन से आर्टिस्ट फोक आर्टिस्ट जो रूट ट्रेडिशन बेरर्स हैं शहर में प्रैक्टिस ना नहीं जो एक्चुअल जो जिनसे उनकी रोट, रोजी रोटी चलती है ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे लोगों को उत्तराखंड चलाए जिन्होंने कभी तक रेल नहीं देखा था <laughs> और उनका एक ज़बरदस्त एम्पावरमेंट होता था वो बताते थे कि जैसे ही विरासत का हमको इनविटेशन मिलता है तो हमारी कद थोड़ी गांव में पढ़ जाते हैं कि हमको बुलाया जा रहा है इस विरासत में जो पार्टिसिपेशन होता है वो लोकल होता है स्टेट वाइज होता है या फिर कंट्री वाइज होता है ये लोकल स्टेट वाइज कंट्री वाइज और इंटरनेशनल तीनों लेवल पे होता है जी छः सात सात कंट्रीज के आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं इसमें हर स्टेट पार्टिसिपेट करता है इसीलिए मैं इस बार आया हूँ यहाँ पे तो वो मध्य प्रदेश आप आज आए हैं तो मध्य प्रदेश में आने का मूल उद्देश्य क्या है मध्य प्रदेश देखिए इट हैज़ बीन काइंड राइट सिंस वेरी बिगिनिंग इट हैज़ बीन माय पार्टनर स्टेट वन दैट माय ब्रदर वाज हियर ही वाज एन आईपीएस ऑफिसर संजीव सिंह और इसकी वजह से हम आते रहे और सत्यानंद मिश्र साहब के समय से सत्यानंद मिश्र अजीत राजा साहब देन अमिताभ श्रीवास्तव देन पंकज राग फिर आज तक ये परम्परा चल रही यहाँ पर जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वहाँ पे कल्याण चक्रवर्ती साहब के तो बहुत पुराना संबंध हमारा यहाँ से रहा है और हमेशा इवन आज भी एवरी ईयर जो स्टेज बनता है वो यहाँ ही कलाकार जाके बनाते हैं विरासत तो यहाँ की भागीदारी होती है होती है बहुत ज़बरदस्त भागीदारी होती रही है और इस बार और बढ़ चढ़ के भागीदारी हो हो इसीलिए मैं <laughs> मैं मिलने आया हूँ तो किससे मुलाकात आपकी होने वाली है मैं जो जो सेक्रेटरी कल्चर हैं हम और अगर हो सका तो मंत्री भी मैं मिलने की कोशिश करूँगा और उनको इन्वाइट करने की कोशिश करूँगा कि खुद आ कर के देखें एक बार विरासत का जलसा भी <laughs> नहीं सब देखिए मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा तो सब ये तो एक एक, एक सांझी संस्कृति की विरासत है सब लोग सारे स्टेट हर तरह ऑल स्ट्रीम्स ऑल स्ट्रेंड्स गेट टुगेदर एंड देन विरासत इज़ फॉर्म कितने आयोजन हो चुके हैं अभी विरासत में ये छब्बीसवा है हाँ कब से होगा सर ये नौ नौ अक्टूबर से तेईस अक्टूबर तक इस पंद्रह दिनों का ये फेस्टिवल होता है पंद्रह दिनों में सब समाहित होता है सब कुछ समाहित होता है सारे का कल्चर एक्टिविटी करीब करीब नहीं देश इतना बड़ा है और दुनिया इतनी बड़ी कि संभव नहीं है बट हर साल कुछ न कुछ कुछ न कुछ करके कोशिश करते हैं पंद्रह दिन में आप पूरी दुनिया नहीं ला सकते और फिर टॉक सीरीज होता रहता है इसमें जो इस तरह जो थॉट लीडर्स होते हैं उनके उनके टॉक्स होते हैं वो लेकिन पूरी दुनिया को आप समाहित नहीं कर सकते प्रयास है ये एक प्रयास है और सारे लोग आते हैं हाँ स्टूडेंट्स को हमने इन्वॉल्व किया एक सेगमेंट एक होता है विरासत साधना जिसमें स्कूल के पूरे स्टेट के स्कूल के लोग बच्चे आकर के पार्टिसिपेट करते हैं उनकी फोटोग्राफी फोटोग्राफी का भी कंपटीशन होता है वो लग फिर उनकी चित्रकला का कंपटीशन <laughs> क्राफ्ट वर्कशॉप्स होते हैं कोई को, कोई पतंग बनाने का कर रहा है तो कोई पोपी मैशे का बच्चे लोग तो यू विल यूल फाइंडायर डरिंग दे टाइम वी कॉल इट विरासत विलेज विच इज़ क्रिएटेड अराउंड पूरा स्टॉल और हैंगर और दुकान ये जो क्राफ्ट के स्टॉल्स लगते हैं देश से आपसे कोई हर कोने से यदि जुड़ना चाहे तो वो क्या प्लेटफॉर्म होगा कैसे जुड़े आपसे एक तो एज ए विजिटर ही कैन कम एंड एवरीथिंग थिंग इज फ्री डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कोई जुड़ सकता है हाँ हमारा जैसे रिच विरासत फेसबुक का है या इंस्टाग्राम का है उस पर कर सकता है या विरासत डॉट रीच एट जी मेल डॉट कॉम हमारा ई मेल आई डी है उस पर कोई कर सकता है द बेस्ट थिंग इज टू कम एंड सीक फॉर योर सेल्फ टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग इस इंटरनेशनल फेस्टिवल को आप ने शुरू किया एक लक्ष्य लेके वो उद्देश्य अब कहाँ तक जाएगा देखिए आई कॉल माई सेल्फ एन इनक्यूरेबल ऑप्टमिस्ट तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये एक एडिनबरा फेस्टिवल की तरह या उससे भी बड़ा एक फेस्टिवल बने जो भारत का एक सिग्नेचर फेस्टिवल हो और भारतवर्ष एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर करके आया ये हमारा उद्देश्य है तो अभी कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं विरासत में छः सात कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं इसमें तो एशिया के करते हैं या फिर एशिया के भी करते हैं अब जब आई रिम्बर टू में तो मलेशिया और थाईलैंड के सारे ग्रुप्स आए हुए थे एंड दर वाज लॉट ऑफ कल्चरल कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू सो यू कैन देर वॉज अ डायलॉग बिटवीन द आर्टिस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया आपको आश्चर्य होगा कि वो डायलॉग एक पहाड़ का कोई ढोल बजाने वाला है और उधर हबीब तनवीर बैठे हुए हैं या ए, कोई और आर्टिस्ट है फिल्म मेकर अमोल पालेकर है उनके साथ बात हुई और वहाँ कोई इजिप्ट का आर्टिस्ट है तो एक डिफरेंट तरह का माहौल बनता है वहाँ पे और एक डिफरेंट तरह की ऊर्जा पैदा होती है और वो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ आज के ज़माने में आज इस्ट्राइफ्टॉर वर्ल्ड में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ एन कल्चरल पैसिफिज्म इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग मिलें और एक कल्चर के स्तर पर मिलें नौकरी करने के साथ साथ इतना जुनून जज्बा कहाँ से आया ये मैंने अपने लिए एक बवाल पैदा कर लिया है सही में कहूँ ये लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया मैं नहीं, पता है कारवा ये पता नहीं मैं कहाँ फंस गया हूँ ऐसा मुझे लगता है नहीं लेकिन ये, ये ये जुनून एक हद तक जाएगा आई डो नो अब कहाँ तक जाएगा यहाँ तक तो आया है अब आ, आगे कहाँ तक आप आगे आप लोगों पर डिपेंड करता है मध्य प्रदेश से से उम्मीदें हैं कि मध्य प्रदेश उम्मीद है बिकॉज मध्य प्रदेश इज एन एक्ट ऑफ फेथ फॉर मी मध्य प्रदेश शुरू से ही इट हैज बीन माई पार्टनर स्टेट एंड फॉर एवरीथिंग एंड एनी आई लुक अप टू मध्य प्रदेश एक नौकरी पेशा आदमी एक्टिंग और इस फील्ड में कल्चरल फील्ड में एक्टिविटी फील्ड में इतना रम जाए ये कैसे संभव हुआ अब क्या बताऊँ आप लोगों के ऊपर वाले की रहा और शायद कुछ फैमिली में था हम लोगों का ये फे, फैमिली से कोई सपोर्ट ऐसा क्या फैमिली में आ, पहले समय में हम लोग भी यूज टू पिकनाइज आर्ट एंड कल्चर

और देखिए यूँ समझिए कि ये जुनून भी यहाँ पर पहले बहुत यहाँ इसी कार्डर के ऑफिसर थे अजय शंकर साहब अजय शंकर साहब डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट थे हमको कुछ पता नहीं था जब क्राफ्ट पे हम लोग नाइन्टी थ्री की बात है आई जस्ट वेंट देयर आई वॉज वर्किंग इन एन सी आई वेन देर एंड सेंट अ मैसेज टू हिम कि मैं आया हूँ मिलने मैं और उन्हें तुरंत बुलाया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री दिस इज हाउ पीपल हैव सपोर्टेड एक्चुअली जब आप अगर आपका उद्देश्य ठीक है तो आपको मदद मिलती ही है आपको सब लोग आगे बढ़ के आपको मदद करेंगे उद्देश्य आपका अगर ठीक है तो अगर कुछ उद्देश्य में गड़बड़ी है तब दिक्कत होती है इतनी टीम काम करती है सर आपके साथ बहुत बड़ी टीम रहती है ऑब्वियसली इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं कि उसमें हर चीज़ को हैंडल करना आप वैसे अगर टॉक सीरीज़ चल रहा है तो वो आ रहे हैं उनका रहने का उनका खाने का पीने का वो स्टेज देखना वो सारी चीज़ें तो काफ़ी बड़ा है एवरी थिंग इज़ डन बाई वॉलेंटियर्स जो इसमें जुड़े हुए हैं और जो अब इतने वर्ष हो हैं कि अब तो दो दो जनरेशन गुजर गया है तो वो जो बाहर चला गया है वहाँ से कहीं नौकरी कर रहा है कोई बड़े पद पे है या जहाँ भी है वहाँ से वो लोग आते हैं या कुछ न कुछ मदद करते अपना कुछ हेल्प किया वहाँ से विरासत तो की एक लंबी एक स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं आप वर्ल्ड <laughs> <पर> लेवल का <के। laughs> अपने लिए नहीं कंट्री के कल्चर के लिए यस कि यू हैव कल्चर विच इजेप्स द ओल्डेस्ट लिविंग कल्चर इन द वर्ल्ड फाइव मोर देन फाइव थाउजेंड ईयर्स ओल्ड कल्चर जो लिविंग कल्चर है तो इसकी पहचान और मजबूत पहचान पूरे विश्व में बने और इसको लोग देखने आए इसको महसूस करने आए ये ये मेरा फिल्म इंडस्ट्री से किन किन बड़े कलाकारों का आपको सहयोग मिलता है आते हैं बेसिकली डायरेक्टर्स का एक्चुअली हमने एक्टर्स को नहीं बट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिरेक्टर्स और उसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल श्याम बेनेगल मैंने नाम लिया श्याम बेनेगल अधूर गोपाल कृष्ण गोविंद नेहलानी मोहन आगाशे एक्टर्स में मैं बता रहा हूँ लिलेट दुबे ये थिएटर के लोग जो थे दिने, दिनेश ठाकुर थिएटर के लोग जो लोग थे कन्हई लाल साउथ के पनिक्कर साहब केरला के तो बहुत लोग जुड़ जुड़े इसमें मिले सुर मेरा तुम्हारा तो, तो सुर बोने हमारा तो इस बार अब आप मध्य प्रदेश का का सुर हमारे साथ हमेशा रहा है और इस सुर को और मुखर करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ बिल्कुल हम लोग सर हम भी आएंगे आपका जब विरासत बिल्कुल तो ज़रूर आइए आप यू मस्ट कम You must यू मस्ट कम एंड प्लीज गेट एसोसिएटेड विद द सोशल मीडिया रीच विरासत फेसबुक इंस्टाग्राम पे will get all the information and please do come. It'll, हाँ मैं आप और तो सर कुछ और कहना चाहें आप मध्य प्रदेश के हमारे दर्शकों के लिए देश के हम जो देख रहे हों उनके लिए कुछ संदेश विरासत के माध्यम से एक विरासत को एक फाउंडर मेम्बर होने के नाते संदेश तो कोई मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं संदेश दुनिया को दूँ मैं तो खुद संदेश लें <coughs> लेकिन ये है आर्ट एंड कल्चर को सपोर्ट करें क्योंकि इसको सपोर्ट कम है बहुत कम है और इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की चीज़ है आज हम विदेशों में जाते हैं तो क्या हम कहते हैं कि हमारा भारतीय संस्कृति तो भारतीय संस्कृति को एक्चुअल ग्रास लेवल रूट लेवल पे मजबूत करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं इसमें जो सही लोग काम कर रहे हैं जिनको भी आप सही मानिए उनको पूरा तहे दिल से सपोर्ट कीजिए कुल मिलाकर संस्कृति की विरासत सहेजने का भरपूर काम हो ये संदेश है और इसमें सभी की भागीदारी सभी की भागीदारी हो यस yes. बिल्कुल है। तो ये थे हमारे साथ राजीव सिंह जी देखिए रंगकर्मी हैं एशिया का एक बड़ा फेस्टिवल विरासत है उसके आयोजक हैं आयोजन करते हैं इनकी बड़ी टीम है और पूरे देश में इनका एक विजन है कि जो भी कल्चरल एक्टिविटी हो और उससे रिलेटेड जो भी आ, काम हो कम से कम वो आ, हम लोग करवाएंगे यदि हमसे लोग जुड़ते हैं और इसके अलावा आ, भारत की जो संस्कृति है जो रियल कल्चर है उसको पूरे विश्व में उसको फैलाने का काम विरासत करेगा और विरासत के ही लिए वो मध्य प्रदेश में आए हैं कि विरासत को मध्य प्रदेश से भागीदारी मिले इसके लिए वो तमाम सारे अधिकारियों से जो संस्कृति मंत्रालय से जुड़े हैं पर्यटन मंत्रालय से जुड़े उनसे मुलाकात करेंगे तो हमारी भी शुभकामनाएँ हैं विरासत के लिए कि कम से कम विरासत और ऊंची उड़ान भरे आज हमने आपकी मुलाकात राजीव सिंह जी से करवाई राजीव सिंह जी एशिया के टॉपेस्ट रंग कर्मियों में से एक हैं वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र यादव के साथ महेंद्र विश्वकर्मा डी न्यूज भोपाल